क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. हमको एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9. तो मुझे जो पॉइंट फाइंड आउट करना है वो कौन से एक्सिस पे फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे. तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई की. तो जो भी पॉइंट होगा उसमें इतना तो मुझे श्योर है उसमें एक्स की वैल्यू समथिंग होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो मैं कंसिडर कर लेता हूं एक पॉइंट. और क्या कहा है, कहा ये क्या है, वो पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है किससे, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी. ऐसा कुछ सिचुएशन सपोज मान लो ऐसी कुछ है, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है. तो अगर ऐसा कुछ है, ये यहां पे सपोज कोई पॉइंट है x, 0, जिस पॉइंट की बात कही गई है, x एक्सिस पे एक पॉइंट है, x एक्सिस पे पॉइंट होगा तो वो वहां y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो इससे जो भी पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस में है. सपोज ये पॉइंट 2, -5 इधर है और ये इधर है -2, -9. तो ये क्या है, आपस में इक्विडिस्टेंस पे है. ये पॉइंट दोनों के दोनों क्या है, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है. तो एज्यूम किया जा सकता है इस पॉइंट को ए, अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूं और इसको बी और इसको सी. तो अगर वाकई में ऐसा कुछ है, मुझे एक पॉइंट ढूंढना है वाई एक्स एक्सिस में जिसमें जो क्या है इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो इन दोनों से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. तो पहले मैं ए बी वैल्यू निकालूंगा, ऐसे ही मैं ए सी वैल्यू निकालूंगा और उन दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल पुट कर दूंगा. क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है. तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए सी की जो डिस्टेंस निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो जो अननोन एक्स है वो फाइंड आउट किया जा सकता है. तो इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे. अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो एक्स कॉमा 0 है. 0 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, 0 इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है. तो अज्यूम कर लेते हैं लेट द पॉइंट on x-axis b क्या है x, 0. साथ ही साथ कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर a इक्वल टू x, 0, b इक्वल टू 2, -5 एंड c को कंसिडर कर लेते हैं -2, -9. तो यहां से हम इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं. ए बी इक्वल टू होगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 यानी -2 - x1 यानी 2 में से x माइनस करो उसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1. y2 क्या है, -5 और y1 मेरा क्या है, 0 इसका स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा रूट, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर के लिए ओपन नहीं करते हैं. यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो -5 का स्क्वायर आएगा. -5 का स्क्वायर कितना होता है, जो 5 का स्क्वायर आता है 25. इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं अभी, ये कैलकुलेशन तब होगी जब मैं ए बी और ए सी को इक्वल रखूंगा. ए सी ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू का अगेन अंडर रूट सी. सी का जो पॉइंट होगा वो x2 और y2 होगा. तो x2 में से x1 यानी -2 में से x1 कितना है, x है, इसको माइनस किया, प्लस y2 - y1. y2 की वैल्यू है 9, y1 की वैल्यू है 0. सॉल्व करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा, ये तो कुछ नहीं हो सकता, -2 - x2 होल स्क्वायर. यहां पे क्या आ सकता है, 9 का स्क्वायर 81. क्लियरली हमको जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पॉइंट्स हैं बी और सी जिनको हमने कंसिडर किया हुआ है, वो पॉइंट एक्स 0 से यानी ए पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे, यानी ए बी और ए सी की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, सिंस गिवन है हमको ए बी इक्वल टू ए सी. तो ए बी मेरा कितना आया था, ए बी आया था रूट, ए बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, रूट 2 - x2 + 25 इज इक्वल टू, यहां आया था रूट -2 - x2 + 81. तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स.
दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है, अंडर रूट। तो सिर्फ बचेगा 2 - x² + 25। तो इसको लिखा जा सकता है 2 - x² + 25 इज इक्वल टू आ जाएगा -2 - x² + 81। अब इनको ओपन कर लेते हैं और इधर उधर शिफ्ट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले a - b² वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा a - b यानी 2 का स्क्वायर -2 × 2 2ab + b² + 25 था, ये आ जाएगा ऐसे ही। इधर भी क्या था, सिर्फ -2 था, तो इसको लिखा जा सकता है -2 का स्क्वायर -2 × -2। 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है, a² - 2a और b कितना है x प्लस b का स्क्वायर और प्लस है 81। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 यानी -4x + x² + 25 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा और यहां पे माइनस माइनस प्लस 2 × 4x और ये बन जाएगा आपका +x² + 81। सारे नंबर्स को उस तरफ करते हैं और सारे x वाले टर्म्स को इधर करते हैं, तो यहां से यहां पे बचेगा मेरे पास -4x + x², वहां से 4x आएगा तो -4x में कन्वर्ट हो जाएगा, x² आएगा तो -x² में कन्वर्ट हो जाएगा। और उधर क्या बचा था, उधर बचा था 4 और 81। इधर ऑलरेडी ये बचे हुए थे, यहां से मैं 4 को लाया तो -4 हो गया, 25 को लाया तो -25। तो इधर पे मुझे क्लियरली दिख रहा है -4x और -4x कितना बन जाएगा, -4x और -4x -8x हो जाएगा, -8x। और ये दोनों टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पे 4 और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4 है और -4 है, तो -8x इज इक्वल टू हो जाएगा 81 में से 25 माइनस कर लेते हैं। 81 से 25 माइनस करोगे आप तो आपको रिजल्ट मिलेगा 56 आएगा। 11 में से 5 6 और 7 में से 2 5। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -8x इक्वल टू 56। ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है नेगेटिव, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है, तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे हो सकता है। बस आपको ये कंसिडर करना है कि x एक्सिस में होना चाहिए, x एक्सिस में y 0 होता है तो नेगेटिव भी आ सकती है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 ऑलरेडी है, ये 8 जो अपॉन 8 या फिर ऐसे समझ लिया, अगर आपको माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सोचिए आपने सिर्फ 8 को उधर भेजा, 8 उधर क्यों गया, 8 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, जहां साइन नहीं है 8 और x के बीच में, ना कि माइनस की बात कर रहा हूं मैं, 8 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये हो गया 56/8। तो माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 7 = 56। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो मेरी जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी 7। तो लेकिन पॉइंट तो हमने x कंसिडर नहीं किया था, पॉइंट क्या था, x, 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट, एब्सिसाइन ऑर्डिनेट होते हैं, तो x, 0 था, तो इसका मतलब जो पॉइंट होंगे x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7, -7, 0। देयरफॉर हम फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट इज, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है -7, 0। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।